माँ जी, क्या आप ही खाना बनाती हैं? हाँ, कितना स्वादिष्ट खाना था, ऐसा लगा माँ के हाथों का खाना खा रहा हूं। सुनकर खुशी हुई। वैसे भी यहाँ बहुत कम ही लोग आते हैं और जो आते हैं वो मुझसे ढंग से बात नहीं करते। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। अब इसमें क्या बड़ी बात है, आप कई दिनों से यहाँ रहती हैं क्या? हम दोनों को यहाँ आए 10 साल हो गए हैं। कोमल के पापा 3 साल पहले हार्ट अटैक से चल बसे थे, इसीलिए कोमल को स्कूल बीच में से ही छोड़ना पड़ा। अरे रे। पूछो तो कहती है तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वैसे कोमल को उस बिल्ली से बहुत लगाव है ना? उसको तो सभी जानवरों से लगाव है। हापी की जैसे ने एक बिल्ली उसे दे दी थी, तब से उसी के साथ खेलती रहती है। बहुत प्यारी बेटी है आपकी। चलती हूँ बेटा, मुझे थोड़ा काम है। जी ठीक है। है कहाँ ये लड़की, दिखाई क्यों नहीं दे रही है? यार मैंने आधा रास्ता तो पार कर लिया है, उसकी माँ से दोस्ती कर ली है, लेकिन उस कोमल से कैसे मिलूं ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऐसे तो कुछ नहीं कर पाएगा, उससे मिलने के लिए तुझे कोई प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ पर क्या प्लान बनाऊं, हमेशा माँ के साथ रहती है। ये सुनना, वो रोज अकेली साइकिल से आती है ना, डायरेक्ट जा उसे रोक और उससे बात कर लेना, सिंपल है। यार मैं काम करता हूँ, अभी उसके घर जाकर उसकी साइकिल की चेन खराब कर देता हूँ। कल जब वो साइकिल लेकर जाएगी तू भी उसके पीछे जाना, फिर क्या ऑटोमेटिक साइकिल खराब हो जाएगी, तू मौके का फायदा उठाकर हेल्प कर दू बोलकर अपना काम कर देना। यार क्या मस्त आइडिया, चल चल सही है, चल चल। अरे तुम ठीक तो हो ना? मेरा नाम गौतम है, मुंबई से आया। हाँ माँ ने बताया था, जानती हूँ। आपके बारे में भी बताया था, आपका नाम कोमल है ना? हाँ। स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया? हमारा कोई नहीं है, माँ का ध्यान भी तो मुझे रखना है। आप मुझे बहुत प्यारी लगती है। हाँ? मेरा मतलब आपका स्वभाव। ओह ठीक है। हम 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे, जाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता था। मुझसे? हाँ। क्या बात है बताओ। कल बताऊंगा, सस्पेंस है। ठीक है बोल देना, मैं चलती हूँ। भाई लोग, वो कोमल मेरे जाल में फंस गई है। कल जब नीचे गिरी थी ना तो मैंने अपने हाथों से उसे छुआ, एकदम हिल गई, आंखें बंद करके मेरे कंधे पे सो गई। मेरा तो दिल धड़क रहा था। देख तो कुछ भी कर लेकिन उसको बुला, अब मेरा मूड बन गया है, मूड उतरने से पहले वो यहाँ आ जानी चाहिए। पहले ये तो बता, कल तूने उस लड़की को जरूरी बात करने के बहाने यहाँ पे बुलाया है, प्लान क्या है तेरा? कल उसकी माँ अकेले मंदिर जाने वाली है तो कोमल भी अकेली घर पे ही रहेगी। अच्छा ये तेरे को कौन बोला? अरे इंचार्ज से खबर निकाली है। क्या बात है भाई, प्लान काम कर जाएगा लगता है। उसको बोलूंगा कि कल मेरा बर्थडे है, उसी बहाने रूम में बुला लूंगा। पहले वो आए तो सही। ए, वो जरूर आएगी समझा, उसे आना ही पड़ेगा। ए, चलो जल्दी करो वरना हम दोनों को कोई देख लेगा। नहीं रहने दो, ये सब गलत है, मैं रूम में नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। मैंने खुद अपने दोस्तों को बाहर भेज दिया है क्योंकि मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पे किसी ने देख लिया तो बहुत सी बातें बन जाएंगी, रहने दो ना प्लीज। अरे इतना क्यों घबरा रही हो, यहाँ पर कौन देखेगा हमें, तुम्हारी माँ भी मंदिर गई हुई है, अब यहाँ पर कोई नहीं है। चलो केक काट लो फिर जल्दी से चली जाना, चलो चलो जल्दी करो। घबराओ मत, आराम से बैठो। नहीं मुझे जाना है, मुझे डर लग रहा है, मैं पहले ऐसे कभी रूम में नहीं आई। अरे अब आ गई हो ना, जरा आराम करो, वैसे भी मेरा जन्मदिन है। ये लो वेलकम ड्रिंक, पी लो, पियो पियो। पी लो, केक काटेंगे फिर चली जाना।
तो केक काट ले। हाँ। बस इतना ही क्या? मुझे कौन खिलाएगा? कुछ नहीं होगा तुम्हें कोमल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? हाँ बोलो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से तुमसे प्यार हो गया है। I love you कोमल, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? पता नहीं क्यों मेरा सर घूम रहा है, अजीब लग रहा है। बुखार तो नहीं है? तुम 10 मिनट आराम कर लो फिर ठीक हो जाओगे। उठाओ उसे, उठा। एक खून निकल रहा है यार। अरे क्या हुआ? एक मर तो नहीं गई? ये तो मर गई है। ये तू क्या कह रहा है? अबे मैंने तुझे मना किया था ना ऐसा मत करना। अब क्या करेंगे? मैंने मैंने एक झील देखी थी, उसी उसी में डाल देते हैं इसको। जल्दी उठा, कोई देख ना ले। चल चल चल, चलो जल्दी। हाँ उठाओ इसे, जल्दी करो, जल्दी करो। ए सिक्योरिटी क्या हुआ, भागते हुए क्यों आ रहा है? हाँ भाई। सर प्रॉब्लम हो गई है, आप दारू पीकर बोतल यहाँ वहाँ फेंक देते हो ना, इसीलिए आपकी कंप्लेन आई है। हाँ तो ऐसा क्या, आज के बाद छत पर कोई दारू नहीं पिएगा, ऐसा सोसाइटी ने रूल बनाया है। अरे जिस दिन से यहाँ आए यही सुनते आए हैं, उन्हें हम लोग जो करते हैं पसंद नहीं आता, हमें वो लोग जो करते हैं पसंद नहीं आता है? मीटिंग में बार बार आपके नाम की कंप्लेन आ रही है सर, और ऊपर से वो जयंती मैडम, आप लोगों की हरकतों से बहुत नाराज है वो। सुन, वो ना दिखने में झकास लगती है इसलिए थोड़ा नाराज है। वो छोड़ना यार, ये इधर आना। अब देखना इसके मजे लेगा।
देख देख ये क्या दिखा रहे हो तुम? ये उठाना, ये ले पकड़ भाई, एक और उठा, ये काले नूडल्स तेरे लिए, दूसरा उठा। भाई मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले ये कैच कर रहे। अरे क्या आकाश, हर बार की तरह तू फिर से लास्ट, तेरी किस्मत खराब है भाई। चल फुट यार, ये भी ना। सर मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ पूछना चाह रहा था, ये आपस में आप लोग कौन सा गेम खेलते रहते ये अपना कानला, जब टाइम आएगा ना तू समझ जाएगा, अब चल निकल। ठीक है। सुने ए, ए सिक्योरिटी, क्या हुआ सर? ये बता, कल मीटिंग में मेरी कंप्लेन हो रही थी ना, सेक्रेटरी क्या बोल रहा था? ये तो आप जाने और वो जाने। ए, यहाँ कोई शरीफ नहीं है, मेरे घर पे कोई भी आए उन्हें इससे क्या मतलब? यहाँ सिर्फ बॉयफ्रेंड अलाउड है, गर्लफ्रेंड अलाउड नहीं है। वर्का मालिक तो कुछ भी नहीं बोलता। तो आप भी कुछ मत सुनिए, जो बोलता है उसे बोलने दीजिए। ये सोसाइटी वाले सब बाहर से दिखावा करते हैं, बाकी ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन चार लड़कों की वजह से मैं हमेशा फंस जाता हूं। इतना बड़ा घर है तो वो लोग अंदर जाकर क्यों नहीं पीते? पब्लिक प्लेस में पीते हैं तो मैं भी फंस जाता हूं। ये बता, वो चारों लड़के एक ही साथ रहते हैं ना, करते हैं क्या है वो? सर कॉलेज खत्म होने के बाद चारों आवारा हो गए हैं, एक नंबर के लुच्चे, पैसा सब पैसे का खेल है सर। सेल्फी, ये बॉय कितनी अच्छी है ना, कलर कितना अच्छा है इसका। हाय बेबी। हाय आंटी, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। हाँ थैंक यू आंटी। आज किस एड का शूट था? आज ज्वेलरी का शूट था। आंटी, आप मेरी सेल्फी को भी किसी एड में काम दिलवा सकती हो क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर। थैंक यू आंटी। ओके बेटा बाय। बाय आंटी। बाय, गुड नाइट। सेल्फी एक्टिंग करोगी? हेलो। हाय सर। हाय, व्हाट्सएप देखा है? हाँ सर, बस अभी आपका एड रेफरेंस देखा। कैसा लगा? यस सर, इट्स वेरी नाइस। हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं। गुड सर। ओके सर, बाय, गुड नाइट। ये वैसे तू दिखने में ओके ओके है, मगर फिर भी आई लव यू। स्टूपिड, शक्ल देखी है बंदर कहीं का? क्यों रे, फूल देके पटाने की कोशिश कर रहा है, घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे तो आंटी आप ही फूल ले लो। हलकट, इस नारियल बम से तेरा सर फोड़ दूंगी, समझा? अजीब औरत है, आजकल गोभी का फूल भी खुद को गुलाब समझता है भाई। सर। Yes, come in. Good morning, सर। Good morning. सर, नया फ्लैट मस्त लग रहा है सर। सर आपने हमें बिना बताए ये कब ले लिया सर? ससुर जी ने दिलाया है। क्या आप भी झूठ बोलते हैं सर, आपके ससुर जी इतने पैसे वाले थोड़ी थे। पुलिस फ्लैट से आप इस नए घर में आए हैं सर, सब अच्छा ही होगा। इसे देखकर हम भी इमोशनल हो गए। किस लिए? आपका प्रमोशन नहीं हुआ इसलिए सर। शादी को 15 साल हो गए, घर में तो कोई प्रमोशन हुआ नहीं, जॉब में प्रमोशन कहाँ से होगा? वो मेरी कैब देना, अभी लेकर आता हूँ सर। सर इस साल आपका पक्का प्रमोशन हो जाएगा सर, हम दोनों आपके पूरी तरह से लेफ्ट से राइट से फेविकोल की तरह जुड़े रहेंगे। देखो मेरे साथ जुड़े रहने की जरूरत नहीं है, बकवास बंद करो और अपना काम करो। ओके सर। अरे अभी तक अंदर क्या कर रही हो, टाइम हो रहा है, जल्दी करो लंच बॉक्स दे दो, देर हो रही है यार। लाओ, चेन भी ठीक से नहीं लगाती है, वो लैपटॉप दो, लाओ जल्दी बाहर आओ, आज बहुत लेट हो गया, चलो। ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ऑफिस का टाइम हो रहा है, प्लीज आओ। हाँ बोलो, एक घंटे में आ रहा हूँ, चलो जल्दी चलो। देखा सर के सामने वाले पड़ोसी को, क्या सिंसियरिटी, सही कहा, क्या पंचुअलिटी।
रात के खाने में चपाती और पनीर की सब्जी बना दूं? देखो, मेरे जाने के बाद अगर तुमने दारू पी के नाटक किया ना तो पिछले हफ्ते की मार याद है ना? अच्छा है। दारू की दुकान थी 12 बजे से पहले नहीं खुलती, अभी तो बहुत टाइम है। क्या बेकार इंसान है, 5 मिनट लेट हुआ तो 5 करोड़ का लॉस हो जाएगा, ये भी कोई बात हुई? पंक्चुअलिटी पंचर हो गई। अब चलो चलो। वड़ी सर, सर नहीं है। सलाम सर। सलाम सर। सर मेरा नाम व्हाट्सएप मनी है। वड़ी मेरे को खबर मिला कि आप नया नया आया बिल्डिंग में, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो नी। वड़ी डायपर से लेकर पैडमैन तक सब ला कर देगा नी, खाली व्हाट्सएप कर देना। इधर मैसेज डिलीवर, उधर पार्सल डिलीवर। तेरे जैसे आदमी की तलाश थी मुझे। कितने चड्डा ने नंबर दिया है, कॉल कर लूंगा। टेक केयर सर। गाड़ी स्टार्ट करो। पापड़ भिजवाता हूँ। सलाम सर, याद रखना। सलाम सर। देखा मेरा सिंधी दिमाग, बिना इश्तेहार के धंधे को ऐसे बढ़ाते हैं। एकदम सही। बड़ी देखते हैं आज का ताजा ज्ञान। ईमानदारी का काम भी बेईमानी से करो नी। ये क्या भाई, आप इतनी गलत बात कह रहे हो, आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती? मेरे दद्दू तो कहते हैं कि हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? बड़ी मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला है। बड़ी अभी तो बोला। बड़ा नहीं कहावत पता है कौन सी? बड़ी बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करो। बड़ा ना ज्ञान साईं। हमें ईमानदारी का काम भी बेईमानी से करना होगा, मेरा ज्ञान समझा बड़ी साईं? क्या बोले भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खबर थी तेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसने वाला, इसलिए मैं गुरु और तू गोबर है। चल जा, मुँह से हवा भर टायर में, जल्दी। भाई लोग, डेली दारू और लड़की से ना लाइफ पूरी बोर हो चुकी है, कुछ चेंज चाहिए यार। अबे क्या चेंज चाहिए तेरे को? तो फिर चलना, अपन नौकरी करते हैं। ये नौकरी करेगा? ये चुप रहे। जो सुबह उठ नहीं पाता वो नौकरी करेगा? तू 8 मिनट एक जगह बैठ नहीं पाता और 9 से 6 की 8 घंटे की ड्यूटी करेगा? चुप रहे, चुप रहे। ये ले ले। अरे थोड़ा चिल कर, कैच ला मेरे को दे। चलो गाइस, मैं निकलता हूँ, नहीं तो माँ गुस्सा करेगी। माँ से इतना डरता है क्या? बस क्या यार, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अरे एनिवर्सरी के दिन भी ऐसे ही खड़े हैं आप, चाहिए नहाकर तैयार हो जाइए। चलिए भैया, अब जल्दी कीजिए। और तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा, इन दोनों को तैयार करने में पूरा दिन निकल जाएगा। अब क्या हुआ? अरे बाप रे, मेरी महंगी साड़ी थी। इसमें मेरी गलती नहीं है, बिल्ली ने गिरा दिया। पहले इस मनोज को यहाँ से निकालो। कितनी बार कहा बिल्ली को मत लाओ, पर कोई सुने तब। क्या हुआ बेटा, पापा से नाराज हो क्या? पापा, आपका हाथ लगा और आपने सेल्फी पे नाम लगा दिया। अब मम्मा ने सेल्फी को भगाने के लिए कहा है। आई हेट यू पापा। सॉरी बेटा, आज शादी के सालगिरह है ना, मेरे हाथों से गिर गया। अगर 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 माँ को पता चला ना तो घर सर पे उठा लेंगी, इसलिए बेटा एक छोटा सा झूठ बोला, प्लीज माफ कर दो। इस बार ऑर्डर बहुत कम आए, लगता है तेरी पगार काटनी पड़ेगी। अरे नहीं भाई, बच्चे की पगार मत काटो। बड़ी सही झूमते मिनार। ये रहा आपका ओरिजिनल क्वार्टर। फैमिली वाइफ मैटर फील हो रहा है। हाफ मारूंगा कूल हो जाऊंगा। बड़ी दांत तो गीला करो। फैमिली वाइफ मैटर हाफ मारूंगा तो कूल हो जाऊंगा। बड़ी पर तुमने व्हाट्सएप पर फैमिली अब भी 90 चाहिए, यही लेकर जा। चल निकल। फैमिली हैप्पी। जा चलिया। तो कॉटन नो मैटर। बड़े चलो नहीं। सेल्फी आ जाओ, हम अंदर सोते हैं, प्लीज। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। पिंकी बेटा। पापा प्लीज। बिना शोर किए इसे अंदर ले जा। सच्ची? थैंक यू पापा। दारू भी है, सिगरेट भी है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन किसी चीज की कमी लग रही है। लड़की यार, इस सिचुएशन में लड़की मिल जाए ना तो मजा आ जाए। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। सही बोला। छत पे दारू तो पीने देते नहीं है, लड़की क्या खाक लाने देंगे? और ये सनकी बार बार लड़की लेकर कैसे आता है? ये वो तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं। ये उसे छोड़ना, रात का 1 बज रहा है, अभी नींद भी नहीं आएगी। अरे रे, मैच भी खत्म हो गया। एक काम करते हैं, नीचे चलकर थोड़ा घूम कर आते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो।
नहीं देखा, कोई देख लेता तो फंस जाता। ठीक है आगे क्या? जल्दी कर, लड़की है यार, सुन। क्या सुन रहा है तू? लड़की है? हाँ यार, बाप रे, पीछे जा, पीछे जा, जाकर देखो कौन है। रुको रुको रुको, कौन है? सर इतनी रात गए? माचिस है क्या? माचिस? एक मिनट सर, अंदर आ जाओ। क्या सर, आप अंदर घुस आए? नाइट ड्यूटी कर रहा है ना? क्या सिक्योरिटी, ताला चाबी का खेल खेल रहा है। काम वाली बाई है सर। अरे वाह, अभी अभी हम लड़की के बारे में सोच ही रहे थे और यहाँ देसी मुर्गी आ गई सामने, कमाल है। तो? चलो शेयर करें जल्दी, जल्दी कर, लकी बॉक्स निकाल, जल्दी करना। इस बार मैं फर्स्ट हूँ। क्या यार, मेरा नंबर नहीं। समझ गया, मुझे आज समझ में आया आप लोगों का ये खेल। उस दिन तुमने कहा था ना, जब टाइम आएगा समझ जाओगे। आज चारों ने मेरे ही पत्ते बिछा दिए। भाई लोग, लगता है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टेंशन में है। देखना माथे पे 12 बज गए। अरे अपनी जीप में जो विदेशी बोतल रखी है वो सिक्योरिटी को दे, इसको मैं संभालता हूँ। अरे 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 अरे, मुंह तो मीठा करने दो। क्या यार, सूखा सूखा बाहर निकाल दिया। चुप रहे टकले, छुपन छुपाई खेल रहा था। ये ले, सही चल रही है तेरी सिक्योरिटी यार। सूखा रह गया ना, ये ले गीला हो जा इससे। हो गया, ठीक है ना। निकल, चल चल चल, निकल। गीला हो जा यार, वाला माफ नहीं करेगा तुम्हें। हो गया क्या? सुनो जी। बोलो। आप अपनी फेसबुक आईडी देके जाओ ना। किस लिए? कभी कभी फेसबुक पर टच में रहेंगे। अशुभ हो गया, सुबह ऑफिस जाते समय रास्ता काट लिया, घर पर रखकर खेलना चाहिए था ना, आज काम होने से रहा। हाय बेबी। हे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? सेल्फी रामू अंकल के रास्ते में आ गई तो उन्होंने इसे डांट दिया। ओ, बिल्ली अगर रास्ते में आ जाए तो अपशगुन होता है? नहीं बेटा, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पुराने जमाने में जब युद्ध पर जाते थे और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग अपना रास्ता बदल देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये अपशगुन होता है। पर आज के जमाने में भी लोग इन बातों पर यकीन करते हैं, which is not right. बस इतनी सी बात है कि लोग बिल्ली से डरते हैं और उसे अवॉइड करना चाहते हैं, that's it. Don't worry. Okay, तो अब रोना बंद करो और सेल्फी के साथ खूब खेलो, okay बेटा? बड़ी मैडम जी, सर। कौन से? लेडी फिंगर। ओह झूले लाल सही। अरे काटा शुरू करे छे, छोड़। बड़ी क्या हो गया, उंगली तो चूसी। अरे बाबा, बड़ी जा, जल्दी जाके डॉक्टर को पड़ोस से लेकर आ जा। झूले लाल, क्या हो गया इसको? बड़ी आंखें खोलनी, प्लीज आंखें खोल दे। डॉक्टर, डॉक्टर देखो इसको। ए छोटू, बड़ी डॉक्टर को बताया क्या हुआ था? हाँ बता दिया भाई। बड़ी लेडी को क्या हुआ डॉक्टर? तुमने तो खून चूसने के चक्कर में 1 लीटर खून पी लिया इनका। कोई बात नहीं, डरो मत, मैंने सुई लगा दी है, होश आ जाएगा। जल्दी ठीक हो जाएगी? नहीं, अब इतना खून पिया तो टाइम तो लगेगा ना। बड़ी जोश में ज्यादा खून पी गया, नहीं रोका क्यों नहीं। बड़ी सुनिए मैडम जी, आप यहाँ पर नहीं आई हैं? हाँ मैं नहीं हूँ ना, और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। और आपके मम्मी डैडी? वो तो सुबह ही काम पे चले जाते हैं। ओह, मतलब बिना माली का फूल। बड़ी कुछ भी चाहिए हो ना तो व्हाट्सएप कर देना। करूँगी ना। मेरा कार्ड, कुछ भी चाहिए हो मैसेज कर देना, तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। व्हाट्सएप करोगी ना? हाँ करूंगी। बिना शर्माए करोगी? तो मैं इंतजार करूँ। सो टक्का। अरे भूलना मत। अरे करूंगी ना। वरना फिर आ जाऊंगा। जाओ ना। बाय बाय बाय। सही कह रहा है यार, मैं ट्राई करूंगा। ए गौतम, आ गई वो। हे। क्या काम है? जस्ट फ्रेंडशिप। आना। आज तो बहुत मूड में लग रहे हो, क्या पी कर आए हो? बियर भी है। स्ट्रॉन्ग 3। हाँ एक बात बताओ, क्या मैं अच्छी लगती हूँ? क्योंकि मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि तुम लोग क्या करते हो, कैसे घूरते हो। मैं सिर्फ दिखती ग्लैमरस हूँ, लेकिन हूँ मैं बहुत क्रिमिनल टाइप की। मुझसे पंगा मत लेना वरना मैं टांग तोड़ दूंगी। लड़की है।
कौन है यार इतनी रात को तकलीफ दे रहा है? उठ जरा, उठ तो। ये देख ब्यूटीफुल लिखा है, इतनी रात को किसने भेजा है? आखिर इतनी हिम्मत किसमें? अबे ओ, बैटरी फुल लिखा है, चुपचाप से सो जा। ओके, लगता है मैं नशे में देख नहीं पाया, चलो सो जाते हैं। अरे यार वो ऊपर है, जल्दी चलना, आना। हाँ एक मिनट, आई जस्ट कॉल यू बैक। वो रही वहाँ, चलना, आजा आजा आजा, चुपचाप। हे तूने चार दिन से फोन क्यों नहीं किया? एक हफ्ते से मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, आज दोपहर में भी एग्जाम है। एग्जाम के टाइम व्हाट्सएप फेसबुक यूज नहीं करती, एक हफ्ते से मोबाइल को छुआ भी नहीं है। ये कोई बड़ी बात है क्या? हम तो एग्जाम के टाइम बुक टच भी नहीं करते थे। तुम पढ़ो या नहीं लेकिन मेरा ख्याल तो रखो। क्या यार चार दिन हो गए, ना कोई फोन किया ना ही मैसेज किया तुमने। ठीक है वो सब छोड़ो, अभी के लिए किसी दे दो मुझे। ऐसा मत करो, मेरा एग्जाम है, मुझे छोड़ दो। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? और तू इसके साथ क्या कर रही है? ये सारे के सारे बदमाश है, तू जाकर अपने एग्जाम की तैयारी कर। अरे रुकना, जा। तुम लोगों में शर्म नाम की चीज है? अरे दसवीं में पढ़ने वाली छोटी बच्ची है वो, तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधरोगे। इडियट्स, हमारी बेइज्जती की उसने। चलो चलो जल्दी चल चल। एक मिनट रुक, रुक बोलो ना। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्यार? कैसा प्यार? मुझे सब पता है। मुझे भी तेरे बारे में पता है, तू कहाँ किसके साथ घूमती है। इडियट, क्या पता तुझे मेरे बारे में? ये लोग इसी लायक हैं। गलती खुद करते हो और इल्जाम दूसरों पर लगाते हो। दोबारा ऐसा कहो ना तो मैं जान से मार डालूंगी। क्या बेटी, क्या किया इन लोगों ने? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस पर्सनल मैटर था, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है, लड़की के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। एक ही बिल्डिंग में रहते फिर भी झगड़ा करते हैं। पढ़ाई छोड़ के बस बाहर ही घूमती रहती हो क्या भैया? हाँ मैडम। काम हो गया क्या? 5-10 मिनट में हो जाएगा मैडम। ठीक है पिंकी, तुम यही रहना। क्या चाहिए बेटा? अंकल मुझे इससे खेलना है, मैं ले लूँ? हाँ ये लो बेटा, पर यही आसपास खेलना बेटा। ओके अंकल। इस चेन की कीमत कम से कम 10,000 तो होगी। बेटा खाना खाया क्या? बेटा ये फोन पे सांप वाली गेम कैसे खेलते हैं सिखाओ मुझे। ऐसे खेलते हैं अंकल। अच्छा ऐसा खेलते हैं क्या? अच्छा भैया काम हो गया? हाँ हाँ हो गया मैडम, बस हो गया, आ रहा हूँ। क्या हुआ इसे? मम्मी बचाओ। पैसे लिए भी नहीं जा रहा है? ये तो पिंकी की चेन है, चोर कहीं का। बेचारी, आज से मैं तुम्हें कभी नहीं भगाऊंगी। यार सच में कल उसने सबके सामने जो किया ना वो सोचकर मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर कोई लड़का होता ना तो वहीं फोड़ देता उसे, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे ऊपर से ये सारे बिल्डिंग वाले सर पे बिठा के नचा रहे हैं उसे, क्योंकि वो है ही नाचने वाली। फिकर मत कर, मौका मिलेगा तब उससे बदला लेंगे। वो मॉडलिंग करती है ना, मॉडलिंग वाली लड़कियां क्या क्या करती है सबको पता है ना? वो कौन सी दूध की धुली है? ओए, वो मॉडलिंग करे या कहीं और जाके मुंह काला कराए, आफ्टर ऑल एक लड़की ने थप्पड़ मारा है, सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम लोग। अरे यार हमने बहुत सी लड़कियां देखी लेकिन इसका तो एटीट्यूड ही अलग है, सबके सामने बेइज्जत कर दिया मुझे। खुद नाचने वाली उस दसवीं की लड़की पे दया क्यों खा रही है? चलना एक प्लान बना के उसे उठाते हैं, तभी उसे अकल आएगी। हम उसे उसकी औकात दिखा के रहेंगे। अरे छोड़ो यार, कल जो हुआ ना उससे मॉम बहुत गुस्से में है, आज फिर पी ली मैंने, मैं चलता हूँ यार। अरे रुक रुक, अरे यार सुनना, कहाँ जा रहा है? तू ऐसा काम क्यों करता है? मैंने कल ही तुझे इतना समझाया था। खाना निकाल के रखा है, जाके खा ले।
मैं कमला के घर जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। पता नहीं इस लड़के को कब अकल आएगी। चल चल। सिक्योरिटी, पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो। हाँ 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 जी सर। उसके रिपोर्ट ने हमें उलझा रखा है। ये एक प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि हमें ना ही कोई एविडेंस और ना कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। आपका बेटा पूरे दिन गौतम के रूम में ही रहता था ना? हाँ सर, उन तीन आवारा लड़कों ने ही मिलकर मेरी बेटी को बिगाड़ दिया था। वो ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था सर। आप उन लड़कों से पूछताछ करिए सर, सच सामने आ जाएगा। उस रात कार्तिक तुम्हारे साथ ही था ना? तुम चारों क्या कर रहे थे? सर मैं तो उस दिन घर पे टीवी देख रहा था। और तुम? मैं भी साथ में ही था, हम सब साथ में थे सर। क्या तुम लोगों को किसी पे शक है? सर मुझे शक है सर, हमारी बिल्डिंग में एक मॉडल लड़की रहती है, मुझे तो उसी पर डाउट है। हमारी कभी बनती नहीं थी सर। एक दिन कार्तिक का उससे झगड़ा हुआ तो लड़की ने कहा वो कार्तिक का खून कर देगी। बिल्डिंग में सबने ये बात सुनी है। दुनिया के 120 देशों में धूम मचाने के बाद CRI पंप्स अब आपके लिए ला रहे हैं CRI पाइप्स। अब आप इन पाइप्स को सर कभी शूटिंग नहीं देखी, थोड़ी देर देख के आऊं। आ जाओ। थैंक यू सर। CRI पंप्स के निर्माण के बाद आप ला रहे हैं CRI पाइप्स, अब नए PPTS लॉकिंग सिस्टम के साथ। PPTS लॉकिंग सिस्टम, इस लाइन को अच्छे से मॉड्यूलेट करके बोलना। ओके ओके सर। मैडम से मिलने पुलिस आई है। इनसे मिलने? जी सर। मुझसे मिलने? यस मैडम। जाओ मिल लो। सॉरी सर, सिर्फ 2 मिनट। इस शॉट को जरा प्ले करके दिखाना। हेलो सर। हाय। बताइए क्या बात है? सॉरी मुझे आपकी शूटिंग को डिस्टर्ब करना पड़ा। नहीं नहीं इट्स ओके। अपार्टमेंट में जो मर्डर हुआ था उसके बारे में इंक्वायरी करनी है। सुना है आपने उन लड़कों के साथ झगड़ा किया था? सर वो लोग आवारा किस्म के लड़के हैं, 10वीं में पढ़ने वाली छोटी सी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। जब मैंने देखा तो मैंने आवाज उठा दी तो वो लोग मुझसे ही लड़ने लग गए। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक थप्पड़ मार दिया। मर्डर वाले दिन आप कहाँ थी? सर एक्चुअली मेरी एक शूट थी आज फिल्म की, तो उसी के लिए मैं चेन्नई में थी। ओके मैडम, अगर इस मर्डर के बारे में आपको कुछ पता चले तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। गाड़ी निकालो। ओके सर। अरे गाड़ी निकाल। सुबह सुबह चढ़ा के आया क्या? मैं कहीं भी जाऊं कुछ भी करूं, मुझ पे नजर रख के मुझे पकड़वाने वाला ये कैमरा ही है। ओ। मेरी बीवी है ना, नाटक देखे या ना देखे लेकिन ये CCTV कैमरा देखकर मुझे डेली मारती है। ए भाई तू जो कुछ भी कर रहा है ना कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, जब घर जाएगा ना तो बीवी सारा नशा उतार देगी। मैं नहीं हूँ, मेरा डुप्लीकेट है। हेलो बोलिए सर। कल हमारे कोयम्बटूर ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी है, तुम्हें याद है ना?
ओह यस यस, ऐसे कैसे भूल सकती हूँ। कोयम्बटूर के सब लीडिंग क्लाइंट्स इनवाइटेड हैं। ओके। तुम मॉडल के साथ डांसर भी हो ना, इस फंक्शन को तुम और तुम्हारी फ्रेंड रिया यादगार बना देना। हाँ वो सब हो जाएगा सर, नो इश्यूज। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। ओके सर। ओके बाय, सी यू टुमारो। अरे अभी बाय मत बोलो, मैं ऊपर घर तक छोड़ दूंगा। अरे इट्स ओके, आई विल गो। मैं तुमने ज्यादा चढ़ा रखी है, चलो ना मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। मेरी बात मानोगे नहीं ना। ओके सो मच फन है ना। ओके बाय, सी यू। कैसे? What are you doing here? चलो जाओ यहाँ से। मैंने सोचा जाने से पहले एक बार बाय कह दूँ। बाय कहने के लिए आए थे या? तुम्हारे साथ एक बार ड्रिंक क्या कर लिया, ऐसा मत समझो कि कुछ भी कर सकते हो। समझ में आया? मेरी तुम बात जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। Now go, get out, get lost। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ मैंने कहा। सॉरी सॉरी, तुम उड़ के सो जाओ, कूल हाँ, ओके बाय। चढ़िया ये क्या है? क्या हुआ भाई? टमाटर है, कंदा है ये। अरे ये तो आप ही लाए थे। अच्छा अच्छा बड़ी, अब तो भूख भी नहीं लगती। क्यों भाई? सोता हूँ तो नींद भी नहीं आती, पूरे बदन में वाइब्रेशन होता है। अच्छा? पर क्यों? अरे बुखार होगा इसलिए कब कब आ रहे हो। अच्छा चढ़िया, खुद को कंपाउंडर समझता है, प्यार के बारे में इसको क्या मालूम। अरे भाई आपसे बात करनी थी, मुझे शादी करनी है। बड़े चढ़िया, हाँ पता है शादी में कितना खर्चा होता है। डोंट वरी, बैंक से लोन ले लूंगा। अच्छा? आजकल तो घर के लिए लोन, कार के लिए लोन, यहाँ तक के कच्चे के लिए भी लोन मिलता है। पर वापस भी तो करना पड़ेगा चढ़िया, एक रुपया तो वापस करता नहीं है। सही बात है। क्या भाई? वो अपना उल्लास नगर का बंटी है। हाँ, बंटी ना? स्कूटर के लिए बैंक से लोन लिया था। अच्छा, अच्छा। लोन नहीं चुका पाया तो स्कूटर उठा ले गए। और बड़े तुझे लोन शादी के लिए चाहिए ना? हाँ। कहीं टेढ़ी तो क्या मेरी बाइकों को उठा के लेके जाएंगे? बड़ी कानून तो कानून है। ये बात सुन के तो मेरी लाल पीली हो गई है। मैं कुंवारा ही अच्छा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। ले लाल, एक लड़की की जिंदगी बच गई। टिंग टोंग। बस नमस्ते। क्या है? मुझे थोड़ी सी दारू चाहिए थी, अंदर आ जाओ। बस गुस्से में लग रहे हैं। टिंग टोंग। क्या हुआ बस? बेवड़ा, चल भाग। लगता है बॉस टेंशन में है। अरे क्या हुआ? पहले इस बिल्ली को उठाकर फेंको कहीं। इस बिल्ली को तो एक दिन में मार डालूंगा। चल चल भाग, चल निकल बाहर। अरे बॉस, दरवाजा खोलो बॉस। बिल्ली जल रही है। दरवाजा खोलो तो। क्या है, हम कब से दरवाजा पीट रहे थे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था? अंदर टीवी देख रहा था ना, इसीलिए सुनाई नहीं दिया। कैसे अजीब इंसान हो तुम। सर ब्रह्मचारी के घर पर लड़की का सैंडल। बात कर रहा लड़की, किधर मुझे दिखाओ। लड़की कौन है? बारा जी, मैंने कहा था इसके घर में लड़कियां आती रहती हैं। सर सिक्योरिटी भी इससे मिला हुआ। ये मेरी रिश्तेदार है। कमाल है, सिर्फ तुम्हारे घर में हमेशा पहचान की लड़की आती है, कोई पहचान का लड़का नहीं आता। आप तो लड़की देख कर अपने भाई को भूल गए बस। अब कुछ नहीं बोलोगे? अरे इससे क्या पूछ रहे हो, सोसाइटी की मीटिंग करके खुद ही फैसला कर लेंगे, ओनर को भी बता देंगे। चलिए चलिए चलो, दारू पिलाओ ना बस। बेवड़ा कहीं का, चल भाग। बड़ी ये ले सामान, देख के पैसे ले आना, हमेशा की तरह उधार मत छोड़ा ना। समझ गया भाई, समझ गया। बड़ी बेबी का मैसेज क्या हुआ? नी जरा घर पे आओगे? आता हूँ नी। बड़ी टेढ़ादा क्या है, तुम आओ तो सही। ए झूले लाल, बेबी बताओ चिड़िया को कैसे याद किया? वो क्या है ना, दो तीन दिन से जरा तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? बुखार है क्या? मने समझ नहीं आ रहा। बड़ी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरे पास स्पेशल चीज है, ये देखो। ये तावीज लो, मैं पहन लेती हूँ। अरे बाबा, इसको गले में या हाथ पे नहीं बांधते हैं। तो बच्चे? इसको बांधते हैं कमर पे, पप्पी पेट के पास,
तभी तो यह काम करेगा नी। अब तुम इतने प्यार से लाए हो तो तुम्हें पहना दो। दिल कड़ास्ता पेट से होकर जाता। आज से तुम मेरी हाफ गर्लफ्रेंड और मैं तुम्हारा वन एंड हाफ बॉयफ्रेंड। पर मेरे पप्पा इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। मेरे पप्पा? क्योंकि उनको उनकी बराबरी का ही रिश्ता चाहिए और हम अमीर हैं ना, तो उनको अमीर जमाई ही चाहिए। बड़े, अब तो हम एक हो गए नी। सीधे कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर तुम्हारे पप्पा को भी बता देंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? वैसे तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकता है डार्लिंग। अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा और 7 फेरे लेके तुम्हें 7 स्टार में ठहराऊंगा। होटल स्विट्जरलैंड में लेना और हनीमून तो तुम ही स्पॉन्सर करोगे, समझे ना सोना? तभी मैं चलूंगी। हाँ आज ही खत्म करूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। उसको भी दो। मैं ये लो। यार मुझे उसकी मौत पे डाउट है, कुछ तो गड़बड़ हुई है यार। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि उसे किसी ने मारा है, मतलब उसका खून हुआ यार। ऐसा कौन दुश्मन है जिसे हम नहीं जानते? कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, और ऊपर से पुलिस भी कंफ्यूज्ड है। अरे सिक्योरिटी ने बताया उस वक्त कोई भी हमारी सोसाइटी में आया नहीं था। मुझे तो लगता है कार्तिक का खून हमारी सोसाइटी में से ही किसी ने किया है। यहाँ पर रहने वालों में इतना दम नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ए भाई मुझे तो उस मॉडल पर ही शक हो रहा है, कह रहा हूँ मैं। ए, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कुछ करना भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, जितना यहाँ रहेंगे ना उसकी याद आती रहेगी। मूड चेंज करने के लिए कहीं बाहर चले क्या? ये सही कह रहा है, हम तीनों कल ही चलेंगे। ए, लगता बारिश आने वाली, चल घर पर चलते। ए, चलना, क्या कर रहा है? मेरी अभी थोड़ी बाकी है, खत्म करके आता हूँ, तुम लोग जाओ। चल ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है बाय। सर मैं स्पॉट पे हूँ। यस सर, डिस्टर्ब मत करो, चलिए प्लीज पीछे हटिए। यस सर, मैं खुद आपको कॉल करता हूँ। ये मेरा दोस्त था। क्या हो गया? अरे अरे हटो सर, हमें देखने दीजिए। ये क्या हो गया? वो मेरा दोस्त था सर, मुझे जाने दीजिए। उसका फ्रेंड मरने के 10 दिन के अंदर मेरा बेटा भी मर गया और अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। आप लोगों से ज्यादा हम लोग कंफ्यूज्ड है सर, आपके बेटे को किसी ने बॉटल से मारा है। थोड़ा हौसला रखिए, केस ओपन ही है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमें तो उस मॉडल सुहाना पर ही शक है सर, हमने तो उस दिन भी आपसे कहा था। तुम बार बार एक ही बात कर रहे हो। देखो मैंने उससे पूछताछ की थी, लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ था वो अपने अपार्टमेंट में नहीं थी, बल्कि सिटी में ही नहीं थी। वहाँ नहीं थी तो क्या हुआ सर? कुछ और प्लान करके भी तो कर सकती है ना। हमारे साथ इतना कुछ हुआ फिर भी हिम्मत करके बता रहे, लेकिन आप कोई स्टेप ही नहीं ले रहे। जल्दबाजी में हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, पुख्ता सबूत मिलने पर ही कोई एक्शन लेंगे। लेकिन सर आप जब तक सबूत ढूंढेंगे हम लोग निपट जाएंगे ना सर। सर प्लीज हम दोनों को बचाइए ना सर, एक के बाद एक खून हो रहे हैं, सोसाइटी में सारे लोग डरे हुए हैं, जल्दी कुछ करिए ना सर। चिड़िया को क्या हो गया? हेलो सर, कॉकरोच मारने की दवाई तो दी थी, आप क्या खुद आके खिलाओ उसको? हाँ पहले बिच्छू के काटने भी किया था, अब दवा फैल गई है इसलिए दोबारा कॉल किया। ठीक है नी, बड़ी अब भी आता है। बड़ी ये चिड़िया लोग मेरे को कंगाल कर देंगे, पैसा लेकर आया नहीं,
नहीं मिला भाई, एटीएम ने पैसे दिए ही नहीं। बड़े तेरे अकाउंट में पैसा वैसा है कि नहीं है? क्या भाई, मेरे बैंक में कितने पैसे है खुद ही अपनी रंगीन आंखों से देख लो। बड़ी तो एटीएम में पैसे नहीं होंगे। ऐसा कैसे, बाकी लोगों के तो धड़ाधड़ पैसे निकल रहे थे। अरे तो तेरा एटीएम कार्ड खराब हो गया होगा। नहीं, ये कार्ड कभी खराब नहीं हो सकता, चाहे बारिश हो या तूफान, मैंने इस पे डबल लैमिनेशन किया हुआ है। वाह चढ़िया, डबल लैमिनेशन तो कमाल का सैंपल है। नहीं तूने मुझे बहुत परेशान किया है ना, आज तुझे खत्म कर ही देता हूं। कहां गया? जा 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 जा, पीले पीले पीले। सो जा, अब तो हमेशा के लिए सो जाएगी। सर एम्बुलेंस आ गई। ओके ओके, ये तो अच्छा हुआ कि उस बिल्ली की आवाज से हम लोग यहाँ पर आ गए। उस दिन उस बिल्ली को भगाया था ना तुमने, आज उसी बिल्ली ने तुम्हारी जान बचाई है। इसे क्या हो रहा है? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? नहीं मैडम, मैडम। हेलो हेलो, अरे कौन चाहिए तेरे को? अबे ऊपर क्या देख रहा है, जरा अपनी नजर नीचे तो मार ले। मैडम ने प्रेस ऑर्डर किया था। नहीं जानो खुशबू, जानो खुशबू, बाहर आओ जरा, देखो तो कौन आया है। अच्छा, व्हाट्सएप मनी। मैडम ये पायलटेड बच्चा किसका है? बच्चा होगा तेरा बाप। मनी हाँ। ये मेरे पति है। मैडम ये ले लीजिए। हाँ दे दो। ये कितने का है? सस्ता है। नहीं 1500। ऊपर देखने से मेरी गर्दन में दर्द होता है, नीचे नहीं झुक सकता। वही 1500। ये काम करेगी ना मनी? एकदम कड़क है मैडम। मैडम तो खड़े होकर पूछ रही है, तू बैठकर जवाब दे रहा है, खड़ा होकर बोल। बहुत अच्छी प्रेस है। जल्दी गर्म होगी ना? उम्मीद से ज्यादा। क्या यार, गैर मर्द के साथ कोई ऐसी बात करता है? पुरानी प्रेस थी ना, वो कितना भी गर्म करो गर्म ही नहीं होती थी, इसीलिए पूछ रही थी। ओ, वो सब मैं पूछ लूंगा, तुम जाकर अंदर से पैसे लेके आओ, चलो जाओ। ये लो मनी। ये सोच क्या रहा है? ए, क्या देख रहा है? कुछ नहीं सर। ए, देख क्या रहा था बोलना। है? अरे तू मेरी बेइज्जती कर रहा है हा? क्या बोला इसने? तुम जानते हो इसने मुझसे क्या पूछा? कहा बुढ़ी इन्हें अंदर ले जाओ। ए, बोलना। अरे बताओ तो सही क्या बोला? बुढ़ी कुछ नहीं मैडम। सर इतने छोटे हैं और आप कितनी लंबी है। नहीं तो मैं सोच रहा था फैमिली प्लानिंग कैसे होती होगी। नालायक कहीं का, चल निकल यहाँ से।
कुछ भी अनाप शनाप बकता है। यहाँ से चल, निकल। दोबारा मुझे व्हाट्सएप मत करना। कैसे भी लगाऊं, कुछ भी करूं, उससे तुझे क्या मतलब है? सेल्फी, देखो तुम्हारे फ्रेंड्स डांस कर रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे देखो, ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। Hey, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। I'm going inside. Yeah, okay, bye. Hi. Hi, how is it going? Fine. दिल्ली वाला, I'm coming. Sir, hey. चप्पल, चप्पल. चप्पल रख दी. अभी चप्पल के बिना. Sir, shoes के बिना अंदर नहीं जा सकते. Shoes? ये चप्पल जूतों से महंगी है. हाँ, बोलो. Sir, मैं मॉडल का पीछा करते हुए यहाँ पब में आया हूँ. हाँ. और वो डायरेक्टली अंदर चली गई है सर। तो तुम भी अंदर जाओ ना। अंदर जाऊं? सर जूतों के बिना अंदर नहीं जा सकता। अरे पास में कोई दुकान होगी, वहीं से जूते खरीद लो ना। आज तक तो जूते खाए सर, मेरे पास 300 रुपए हैं बस। अरे 300 में जो भी मिलता है उसे पहनकर अंदर चले जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। हाय, बैठो ना। नाउ मैं तो साहब बन गया हूँ, अब मैं जाऊंगा अंदर। क्या हुआ, पैर कहाँ है? पैरों में तो जूते है ना। पैर मतलब जोड़ी। नो जोड़ी नो एंट्री। जोड़ी में तो तू मेरे साथ अंदर चलना। कम। मेरा मतलब लड़की है सर। लड़की? अब ये लड़की कहाँ से लाऊं? याद आया, मेरी पत्नी तो मायके गई है। कोई भी लड़की चलेगी सर, कोई भी। कोई भी चलेगी? अब क्या है, लड़की होगी तो अंदर जाने देगा सर? अरे तो अब मैं क्या करूँ? आप लड़की भेज दीजिए ना। ठीक है, मैं कांस्टेबल कमला को अभी वहाँ भेजता हूँ। नहीं नहीं, कमला को मत भेजिए, वो घमला लगती है। आप रानी को भेजिए ना प्लीज। मैं राजा, वो रानी, रानी राजा, बनेगी कहानी। तुमने मुझे परेशान कर रखा है। परेशान? भेजता हूँ उसे। सर, एक केस के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में तुम्हें आज रात राजा के साथ रहना होगा। सर राजा नहीं, वो बिल्कुल बोरिंग है। आप अशोक को भेज दीजिए। तुम लोगों ने मुझे क्या समझा है? मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ और तुम लोग मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं सर, सॉरी सर, मैं अभी जाती हूँ। कब आएगी? रानी, अंदर चलकर पार्टनर मत बदल देना। ओके, माय पार्टनर इज हियर। जाओ देखा। हे एंजॉय। हे अरे हाँ, आपको कोई जरूरी बात करनी थी ना? हाँ, हाँ तो बोलिए। यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, चलो बाहर चल के बात करते हैं। ओके, कम। हाँ, सर सर, वो लोग जा रहे हैं सर। जा रहे हैं तो जाने दो। लेकिन हम उन्हीं को तो फॉलो करने आए थे ना। सुन मेरी रानी, हम लोग फिर से ऐसी जगह आ पाएंगे क्या? है इंजॉय कर, इंजॉय। टकले ने 2000 के 4 कड़क नोट दिए हमें, जस्ट इंजॉय, चीयर्स। बाला, एक बात बताओ, मैं एक्चुअली मैं जिस बिल्डिंग में रह रही हूँ ना, वहाँ एक के बाद एक मर्डर होते जा रहे हैं। पता नहीं कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैडम, इसमें टेंशन की क्या बात है, उस फ्लैट को छोड़ के दूसरा फ्लैट ले लीजिए ना। वही तो नहीं कर सकती बाला, क्योंकि पुलिस को मुझ पर शक है। वो जो 2 लड़के मरे थे ना, एक्चुअली उन दोनों के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस को शक हो रहा है कि शायद मैं अपना बदला लेने के लिए ये सब कर रही हूँ। और अगर मैंने फ्लैट बदल दिया तो पुलिस को यही लगेगा कि मैं कातिल हूँ। मैडम, आपके बिल्डिंग के हर फ्लोर पे कैमरा लगा हुआ है ना, अगर उसका फुटेज चेक करे तो? अरे वो सब पुलिस देख चुकी है, उनमें कुछ नहीं है। नहीं मैडम, हम दोबारा चेक करते हैं, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। हमारा वो सीसीटीवी कैमरे वाला किरण है ना, आपके बिल्डिंग में सारे कैमरे उसी ने फिट किए हैं। ओह अच्छा, तो उससे बात करें क्या? मैं उसको कल ही फुटेज निकालने के लिए बोल देता हूँ, अपना काम हो जाएगा। हाँ ओके, मुझे कॉल करना। बाय बाला, गुड नाइट। ओके मैडम, गुड नाइट। सर, कहाँ हो तुम? सर, मैं पब में हूँ, उस मॉडल के पीछे बैठा हूँ। और मैं उसके सामने। सर, अबे काम चोर, वहाँ पब में बैठकर दारू पीना है ना? आज और अभी से तो सस्पेंड, दारू पीते रहे। हे भगवान, सस्पेंड कर दिया, चलो।
क्या हुआ? पी रखी है क्या? जाओ। बड़ी डार्लिंग, डार्लिंग, देखो नहीं मैं क्या लाया। जायदाद के पेपर। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। मुझे इतना पसंद करते हो? बड़ी पसंद? शुक्रवार को सुबह 10 बजे तुम और मैं कोर्ट जाकर शादी कर लेंगे। नहीं, पर मैं क्या सोच रहा था, तुम बस स्टॉप पर मेरा वेट करना, मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूंगा। हाँ ठीक है। डार्लिंग भूलना मत, आ जाना। आ जाऊंगी। बाय। ओह ये तो तुम्हारा है, सुंदर सी साड़ी पहन के आना। नी बाय डार्लिंग। बाय। ये देखो बाला, जिस दिन कार्तिक का मर्डर हुआ था ना, ये उस दिन की रिकॉर्डिंग है। अच्छा। टाइम 10:01। कार्तिक घर के अंदर जा रहा है और उसकी माँ घर के बाहर जा रही है। 10:20 को वो वापस घर के अंदर गई। ये देखो। राइट। थोड़ा सा फॉरवर्ड करके दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, रिवाइंड रिवाइंड। ओके ओके। थोड़ा पीछे प्ले। 10:21 उसकी माँ बाहर आके चिल्ला के रो रही है। इसमें तो इतना ही फुटेज है। इसका मतलब जब मर्डर हुआ था तब ना कोई अंदर गया ना ही बाहर आया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आकाश के मर्डर की डेट क्या? 28 जून। उस दिन की रिकॉर्डिंग देखो। ओके। जून 28 9:30। ये तीनों लड़के छत पे जा रहे हैं। गौतम और किरण नीचे आ रहे हैं। अजीब बात है, इस मर्डर के वक्त भी कोई अंदर नहीं गया। बाला, कार्तिक के मर्डर के दिन की फुटेज दिखाओ। ओके। जूम करके दिखाओ, थोड़ा और जूम करो बाला। तुमने देखा बाला, 10:03 पे बिल्ली अंदर गई है और 10:15 पर वो बाहर आ गई। बाला एक बार आकाश की फुटेज दिखाओ। ओके। तुमने एक चीज देखी बाला? क्या? दोनों फुटेज में बिल्ली अंदर गई और फिर वो थोड़ी देर बाद बाहर आ गई। अब बिल्ली दोनों फुटेज में क्या कर रही है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कोइंसिडेंट भी तो हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं बाला, यहाँ यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। और भी फुटेजेस चेक करें क्या? हाँ, हाँ? ठीक है। बाला, you saw that. देखा, तुमने देखा ना बाला, ये कोई आम बिल्ली नहीं है, उसके अंदर जरूर कोई शैतानी शक्ति है और वही ये सब कर रही है। ठीक है मान लिया, लेकिन ये उन लड़कों को ही क्यों मार रही है, ये समझ में नहीं यार। वैसे तुम भूत और आत्माओं पर विश्वास करती हो? अब तुम ये वीडियो तो देख रहे हो ना, अब इस वीडियो को देखकर हम विश्वास कैसे ना करें। किसी शैतानी शक्ति की वजह से ये बिल्ली कैसे बदल जाती है, देखा ना।
मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन ये देखकर मैं कंफ्यूज्ड हूँ। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। आपका कहना सही लग रहा है, पर अब आगे क्या करें? मुझे तो यही लगता है कि ये कातिल बिल्ली ही है और कोई नहीं। मैडम, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, उस एसआई को ये बात बता दीजिए। गुड आइडिया। एसआई का फोन रीचेबल नहीं है। पुलिस स्टेशन ट्राई कीजिए। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी हाँ। एसआई सर हैं क्या? नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? मैं मॉडल सुहाना बोल रही हूँ, और एसआई सर मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। ओह अच्छा, आप हैं। सर एक केस के सिलसिले में बाहर गए हैं, परसों तक आ जाएंगे। सर को बताना कि मैंने फोन किया था। ठीक है मैडम। क्यों, कौन था वो फोन पर? मॉडल सुहाना। अरे यार, जब सर कल सुबह ही आ रहे हैं तो तुमने परसों क्यों कहा? अरे मूड में आ गया तो कह गया ना, मैं बाल की खाल निकलता है। मैंने सोच के देख लिया, हम लोग यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। तू जानता है ना, 5 फैमिलीज यहाँ से अपना घर खाली करके जा चुके हैं, हमें भी घर खाली करके चले जाना चाहिए। ए भाई, मेरी बात मानना, चलना मेरे साथ चलना यार, अगर हम यहाँ से चले गए तो हम लोग बच जाएंगे। प्लीज ना मेरे भाई, मेरी बात मान ले। अरे पागल है क्या, उस साइको से हमारा कोई लेना देना था भी नहीं, लेकिन उसे भी तो लकवा मार गया ना। ए लेकिन वो मरा तो नहीं ना? देख, मरने वाले हमारे फ्रेंड्स ही थे। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, जो बोल रही हूँ उसे प्लीज ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे मरे हुए दोस्तों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, उसी सिलसिले में मुझे तुमसे मिलना है। कल शाम को कल्पना कॉम्प्लेक्स में आ जाना, वहीं मिलकर सारी बातें बताऊंगी। I'll wait for you there. हेलो, कौन हो तुम? मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? कल शाम जब मिलोगे तो सब पता चल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था भाई? पता नहीं, किसी लड़की का फोन था, कह रही थी वो इन मर्डर्स के बारे में जानती है, मुझे कल्पना कॉम्प्लेक्स बुला रही है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वो उस मॉडल जैसी लग रही थी। देख भाई, अगले टारगेट हम ही हैं, उसके पास मत जाना। अबे गधे, उसे पकड़ने का यही एक अच्छा मौका है, पहले कंफर्म करेंगे कि ये मॉडल ही थी। उसका अगला टारगेट मैं हूँ ना, हम एक काम करेंगे, हम दोनों साथ में चलेंगे लेकिन अलग हो जाएंगे। मैं 10 मिनट बाद कॉल करूंगा, तू आ जाना। देख फिर भी हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अच्छा आइडिया है। ए रोक 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 ना, वो देख कल्पना कॉम्प्लेक्स। देख अभी तो एंट्रेंस पे कोई नजर नहीं आ रहा है, वो मॉडल सुहाना हुई तो अपनी गाड़ी का नंबर नोट कर लेगी। तू एक काम कर, तू गाड़ी आगे जाके पार्क कर दे। हाँ। और तू वहीं वेट करना, इमरजेंसी हुई तो कॉल करूंगा। हाँ, ठीक है ठीक है, तू अपना ख्याल रखना। हाँ। Thank you.
आई होप ये लोग आ जाए। पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। सर वो कल्पना कॉम्प्लेक्स में आ गई है सर, गाड़ी में किसी का वेट कर रही है। फोन करके यहाँ बुलाया था। hey! सर ये झूठ बोल रहा है। पहले मैंने आपको ही फोन किया था। पुलिस स्टेशन से पता चला कि आप वहाँ पर नहीं हैं। इसकी जान बचाने के लिए मैंने इसे फोन किया था। झूठ बोल रही है सर ये। आप इसे अरेस्ट कर लीजिए। गौतम जब तुमने मुझे फोन किया था तब से मैं इन्हें फॉलो कर रहा हूँ। ये मर्डर इन्होंने नहीं किया है। सर ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है ये सब मैं जानती हूँ। मेरे पास प्रूफ भी है सर। एक्चुअली इन्हें वार्न करने के लिए, इनकी जान बचाने के लिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया था, लेकिन उतने में ही ये सब हो गया सर। अगर आपको इसे बचाना है तो आपको प्लीज मेरे साथ चलना होगा। प्लीज आई हैव टू शो यू समथिंग सर, जस्ट ट्रस्ट मी सर। सर ये देखिए, जिस दिन कार्तिक का मर्डर हुआ था ये उस दिन की रिकॉर्डिंग है, और ये उस दिन की रिकॉर्डिंग है जिस दिन आकाश का मर्डर हुआ था। और इन दोनों मर्डर्स में सिर्फ बिल्ली ही अंदर गई है और बाहर आई है सर। सर इस बिल्ली को मैंने किरण की जीप के पास भी देखा था, और उस जीप के पास मुझे बिल्ली के फुटप्रिंट्स भी मिले। वेट आई कैन शो यू। ये देखिए, आई एम श्योर ये बिल्ली ही कर रही है सर। उफ, हमने भी सीसीटीवी फुटेज देखी थी लेकिन उस बिल्ली का एंगल तो देखा ही नहीं। अगर ये पहले देख लिया होता तो शायद ये नौबत ही ना आती। सर ये सब इतना आसान नहीं है, ये कोई आम बिल्ली नहीं है, उसकी बॉडी में किसी की आत्मा है और ये कोई मामूली बात नहीं है। आम जो कह रही वो सही है, तीनों को बुरी तरह से मारा गया है। अगर हम कुछ करेंगे तो उसका उल्टा भी हो सकता है। सर ऐसी आत्माओं को भगाने के लिए केरला में उन्नीदन नाम का एक मलयाली तांत्रिक है, वो शेर को भी बिल्ली बना देता है। तो ये बिल्ली उसके सामने कुछ भी नहीं है सर। नो 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 सर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। ये कोई तंत्र मंत्र से वश में आने वाली बिल्ली नहीं है सर। हमारे पास और क्या रास्ता है? मेरे पास एक रास्ता है सर। हाँ बोलिए। यूक्रेन में मोरोंडो नाम का एक अफ्रीकन है, इन सब केसेस को हैंडल करने के लिए वो बहुत फेमस है सर, इंटरनेशनल लेवल पर भी। लकीली ही इज इन इंडिया सर, मैंने पेपर में पढ़ा था, ही इज इन चेन्नई। उन्हें यहाँ कैसे लाया जाए? उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम उनसे मिलने चल सकते हैं। ओके कोई तो पिला दे मुझे, मैं प्यासा हूँ। कौन है बे? सुन तुझे विदेशी पीनी है क्या? है, मैं सोच ही रहा था और आपने बोल दिया बॉस, इसी को कोइंसिडेंस कहते हैं। लेकिन पहले मेरी हेल्प करनी होगी। बोले बॉस, तुरंत फटाफट फौरन कर लेता हूं। वो जो पिंकी के घर पे बिल्ली है, हाँ, है उसे पकड़ के लाना है। बिल्ली को क्यों नहीं कर सकते? छोटी सी बात है ये, उससे पहले दारू चाहिए। अबे काम कर, 10 बोतल पिला दूंगा। ना 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 ना, बिल्ली को पकड़ कर लाए और आपने मना कर दिया तो पहले एडवांस में तो दे दो। क्यों बे, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बॉस क्या बॉस, मैं लेकर आता हूँ, लेकिन हाँ बिल्ली लाने के बाद मेरे को भूल मत जाना। ठीक है जा, जल्दी कर जा। ये बिल्ली को पकड़ने के लिए 10 बोतल है, कुछ तो गड़बड़ है, झोल है। ओके 1 महीने तक पियेंगे अपने को क्या। म्याओ, अरे रुक जा। अगला मरने वाला यही है। यही है, इससे ले दे के कुछ ले ही लेते। अरे अगर सर को पता चल गया तो? नहीं बाबा, उनके पीठ पीछे ले रहे, सामने थोड़ी ले रहे। हाँ। मैं लेन देन की बात करता हूँ, तू यहीं खड़े रहे। भाई मुझे भी साथ ले चल। ठीक है तो चुपचाप आ जा। ठीक है माय फ्रेंड,
तुम्हारे केस में भागते भागते हमारे फेस उतर गए, कुछ रिचार्ज करने के लिए दो ना। जानता हूँ, मैं भी आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। बोल कर तो देखो। वो जो बिल्ली है ना, उसे पकड़ना होगा। हम तो तुम्हें फंसाने आए थे, उल्टा तुम हमें ही फंसा रहे हो। अंदर की बात है, जो बिल्ली को छुएगा वो वहीं पे मर जाएगा। ए, पुलिस वाले होके इतना डरते हो? वो जो बिल्ली है ना मेरी दुश्मन है, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, समझ गए? भाई ये कहना क्या चाह रहा है, विस्तार में बताओ। वो बिल्ली उस बच्ची के घर में है, लेकिन उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। इस सोसाइटी में कितनी सारी फैमिलीज है, उन्हें कुछ हुआ क्या? नहीं। मतलब उसका दुश्मन मैं हूँ, तुम लोग नहीं। भाई मुझे लगता है ये सही कह रहा है। ये लो एडवांस, बाकी काम हो जाने के बाद चलता हूँ। थैंक यू थैंक यू। वैसे बेटी, उस मरांडो को हिंदी समझ में आएगी? हाँ, क्या? बिल्कुल सर, वो इंटरनेशनल फिगर है, 50 लैंग्वेजेस जानता है। हाय, आई एम सुहाना। हाय। हेलो। हेलो मिस्टर गोपी। हाय। हाय। हेलो, मैंने आपको जो डिटेल्स भेजी थी सर, उसमें कोई डाउट तो नहीं? नो नो प्रॉब्लम, बट वेरी सीरियस मैटर। मेरा एक डिमांड है, मुझे एक एम्प्टी फ्लैट चाहिए, दैट्स ऑल। वो सब हो गया है सर, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ऑलराइट, तो हम चलें सर। ओके, चलिए। प्लीज कम। अरे चढ़िया। हाँ भाई। डार्लिंग के घर में प्रॉब्लम लगती है, देख के आ। ओके भाई, जल्दी आना। नहीं, हाँ हाँ अभी आया। झूले लाल, क्या प्रॉब्लम हुई होगी, बड़ी सुबह बस स्टॉप पे भी नहीं आई, मेरा फोन भी नहीं उठा रही, बात क्या हो गई? नहीं, फोन करके देखता हूँ। भाई, 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 घर तो लॉक है। हे चढ़िया, ऐसा नहीं हो सकता, घर लॉक। यादव जी, क्या हुआ मनी? ये चढ़िया बोलता है डार्लिंग का घर बंद है। अरे मनी पूछ मत यार, कल रात उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मुनी साई क्या बोलते हो? रात के 2 बजे वो घर खाली करके चली गई। घर खाली करके? हाँ। वो गई नहीं भाई, सब कुछ लेकर गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, उसने कल रात मुझे ये लेटर दिया था, तुम्हें देने के लिए कहा था। बड़े चढ़िया, लेटर छोड़ के गई है, भाग गए बोलकर डराता है मेरे को। कोई परेशानी आ गई होगी, इसलिए जाना पड़ा होगा। नहीं, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक्स, तुम्हारी डार्लिंग। देखा, सब कुछ लेकर गई, अब सिर्फ वैन ही बची है। बैरा कर दिया मुझे। And now I'm going to scan this whole apartment. यहाँ पर जो भी भटकने वाली आत्माएं वो स्क्रीन पर आ जाएगी, वो कौन है तुम बताना। Now first image start. ये कौन है? हे भगवान, ये तो नीचे रहने वाले रामेश्वर अंकल है, ये तो 6 महीने पहले ही खत्म हो गए थे। नेक्स्ट। ये तो सेकंड फ्लोर वाले मनीष शर्मा जी है ना? Who is it? ये तो सुरेश कुमार है, बेचारा कम उम्र में निमोनिया से मर गया था। नेक्स्ट। अब ये कौन है? कार्तिक, कार्तिक। नेक्स्ट। अरे ये तो आकाश है। ओए से पापा, ये तो मेरा दोस्त किरण है। लिंडा, स्टार्ट द हेलीकॉप्टर।
Who is she? मुझे वो बिल्ली चाहिए। आपने जो कहा था वो सच है। इस बिल्ली के अंदर ही उस लड़की की आत्मा घुसी है। उस लड़की से तुम्हारा क्या रिलेशन है? एक बात सुन लो, अगर तुम सच बोलोगे तो ही मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। बोलना क्या हुआ था, अब कुछ तो बताओ उन्हें। तुमने जो भी किया है तुम छुपा नहीं सकती। उस लड़की के साथ तुमने क्या किया है बोलो, तभी मैं तुमको बचा पाऊंगा। मैं हूं ना बेटा, कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा, अब तो बता। हम चारों दोस्त छुट्टियां मनाने गए थे, हमने उसे रिजॉर्ट में देखा था। कोमल को पटाने से पहले मैंने उसकी माँ शकुंतला को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। मैंने उनके खाने की तारीफ की, जिससे उसकी माँ की नजरों में मैं अच्छा लड़का बन गया। कोमल को पटाने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। हमने अगले दिन कोमल के साइकिल की चेन खराब कर दी, जिससे साइकिल बीच रास्ते में ही खराब हो गई और कोमल गिर गई। उसके पैर पर चोट लग गई, तो मैंने मौके का फायदा उठाया। कोमल की मदद करने के बहाने मैं उसके करीब गया, उसके बदन को छुआ तो उसने मदहोश होकर मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। वो मुझे पसंद करती थी। अगले दिन मैंने उससे झूठ कहा कि मेरा जन्मदिन है। कोमल काफी डरी हुई थी, पर मैंने उसे मना ही लिया और उसे अपने कमरे में ले गया। मैंने उसकी ड्रिंक में नींद की गोली डाल दी, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर हम चारों दोस्तों ने मिलकर उसका फायदा उठाया बारी बारी। अचानक से उसे होश आ गया और वो भागने लगी। हमने उसका पीछा किया, लेकिन भागते भागते वो गिर गई और सिर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं मर गई। हम चारों बहुत डर गए और हमने उसकी लाश को वहीं पास ही के एक तालाब में फेंक दिया और हम वहां से चले गए। स्टूपिड, तुमने एक लड़की को मार दिया, वो भी प्लान करके। अब इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हो। मैं अब तुमको नहीं बचा सकता, सॉरी। सर, मैं इनके कैरेक्टर को अच्छे से जानती हूँ और ये तो है ही आवारा। सर, मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे बताइए। सॉरी सर, मैं एक सच्ची आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। इसकी जगह कोई बुरी आत्मा होती तो मैं कब का भगा दिया होता। ये एक अच्छी आत्मा है, ये बदला जरूर लेगी। सर, मेरा एक ही बेटा है, उसे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको अपनी आधी दौलत दूंगा, प्लीज। ओके, आई विल डू माय बेस्ट। थैंक यू सर। जो हो गया सो हो गया, तुम तीन लोगों से बदला ले चुके हो, बस अब यही रह गया है और ये भी बदल चुका है, तुम इसको छोड़ दो। तू मुझे मुक्त करने की सोच रहा है ना? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस पापी को मारे बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। आ, इस बॉक्स के अंदर आ जा। नहीं, ये कभी नहीं होगा। अगर तुम बॉक्स में नहीं आई तो मैं बल्ले को मार दूंगा। नहीं, नहीं आ सकती। तुम नहीं आओगे तो यही देखो, अब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बिल्ली को मार दूंगा। रहने दो, उस बिल्ली को छोड़ दो। अब आ जा, इस बॉक्स के अंदर आ जा। जानता है मैंने उसे क्यों जिंदा छोड़ रखा है? ताकि वो हर दिन डर डर के मरे। इसके दोस्तों को मार के तुमने इसे डरा दिया है। जैसे तुमको बिल्ली प्यारी है, वैसे हमको गौतम प्यारा है। बात समझ, इसको छोड़ दे। फालतू के जिद के तो दर्द तुम्हारी प्यारी बिल्ली को होगा। बिल्ली को छोड़ दो, मैं आ रही हूँ। यस, कम। आत्मा बॉक्स में आ गई है, वो कल रात 12 बजे तक इस बॉक्स में रहेगी। कल हम कलर गेस्ट हाउस जाएंगे और रात 12 बजे आत्मा बॉक्स से बाहर आएगी। उसी वक्त आत्मा को रिलीज करना होगा और तभी हमें बिल्ली को मारना पड़ेगा, तभी तुम बच पाओगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आत्मा को तो पकड़ लिया है तो बिल्ली को क्यों मारना? इस लड़की की आत्मा पूरी तरह बिल्ली में समा चुकी है। पहले आत्मा को भगाना होगा, फिर बिल्ली को मारना होगा, तभी तुम इस मुसीबत से बच पाओगे। नहीं,
कोई और रास्ता तो जरूर होगा, हम उस मासूम बिल्ली को नहीं मार सकते। ये तुम क्या कह रही हो सुहाना बेटी? सर वो छोटी सी लड़की उस बिल्ली से बहुत प्यार करती है। उस लड़की के माँ बाप से मैं बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। आखिर एक जानवर ही तो है, इंसान की जान जरूरी है या जानवर की, तुम ही बताओ बेटी। ठीक है सर, आपको जो करना है वो कीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, पैसे वाले किसी की नहीं सुनते। माँ, सेल्फी को मार देंगी क्या? माँ सेल्फी को दर्द होगा ना। कितनी समझदार बिल्ली है, ये लोग उसी को मारने जा रहे हैं, देखना इन लोगों को इस बिल्ली की हाय लगेगी। सेल्फी का जो असली रूप है वो उनके सामने जरूर आएगा। रोना बंद करो विंकी। तुम रूम में जाओ। ठीक है सर। मैं तुमको यहां से इंस्ट्रक्शंस देता रहूंगा। ठीक है। यू वेट आउटसाइड द गेस्ट हाउस, आई विल कॉल यू। ओके सर। गौतम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सुन सकता हूं सर। उन दोनों हैमर्स को उठाओ। अब उस बॉक्स पे बैठ जाओ। गौतम, अभी रात के 11:45 है, ठीक 12 बजे आत्मा बाहर आएगी। रूम के अंदर 4 मिरर है, उस आत्मा की रिफ्लेक्शन एक एक मिरर में दिखेगी। जिस मिरर में आत्मा दिखेगी उस मिरर को हैमर से तोड़ देना। लास्ट मिरर को तोड़ते ही मैं यहां इस भले को मार दूंगा। ओके, अंडरस्टैंड? ओके सर। गौतम, टाइम इज 11:59, यू रेडी? टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, आत्मा पार आ गई है। Break! Break it! Break it, man! Good, very good! Now the second mirror! Break it! Break it! Very good, very good! Third mirror! Last mirror. Hey, Gotham! Some technical problem here. क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? Gotham आत्मा आ गई है. Sir! Oh God, time out! Sir, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. डर लग रहा है, sir. Oh my God, आत्मा बिल्ली के अंदर जा रही है. सर, hey, मैं क्या करूं सर? Start the vehicle, drive fast.
प्रिया अंकल क्या कर रही हो बेटा? पढ़ रही हूँ अंकल। पढ़ रही हो क्या? हाँ। खाना खाया? क्या चाहिए तुम्हें बताओ ना। नहीं, मुझे अरे कुछ बोलो नहीं ना क्या चाहिए तुम्हें, बोलो बोलो बेटा। नहीं चाहिए। तुम्हें चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम, जो बोलोगे सब दिलाऊंगा। अंकल मुझे स्कूल का होमवर्क करना है। जल्दी आना। हाँ